हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर वीर सेवेंटी वन में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी पार्ट जो कि आया था टैट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में यह एग्जाम 26 अगस्त 2020 को कंडक्ट करवाया गया था तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हमारा पहला क्वेश्चन है हु प्रोपोगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया तो इसके लिए हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन रहेगी स्पीयरमैन स्पियरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राफिया इज द लर्निंग डिसेबिलिटी विच इफेक्ट पर्सन डिस्क्राफिया एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जो व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित करती है तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी बी राइटिंग एबिलिटी लेखन क्षमता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री यूज दर्ड आई क्यू फर्स्ट इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी ये टर्मन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो ये है विलियम वो राइट और रहेगा हमारे पास इसके लिए ऑप्शन सी विलियम वुंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड तो राइट ऑप्शन रहेगी सी कंट्रोल्ड कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लिटर चाइल्डहुड कैटेगरी तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी सी सिक्स टू इलेवन इयर्स, छः से ग्यारह वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इंटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नॉन एज तो उसे बोला जाता है असाइमलेशन ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलप कंडीशनिंग इज तो ये थी घंटी बेल तो राइट right ऑप्शन रहेगा ए घंटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन मीनिंग ऑफ गैस्ट्रॉल इज तो इसका मीनिंग होता है एज ए होल समग्र रूप से ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन बेस्ड ऑन थिंकिंग तो ये बोला गया था प्याजे के द्वारा तो इसके लिए राइट right ऑप्शन रहेगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवेंथ द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड तो इसे बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट right ऑप्शन रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व सिक्सटीन पी एफ इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ तो राइट ऑप्शन रहेगी सी पर्सनैलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड विद चालक सिद्धांत संबंधित है तो ये संबंधित है अभिप्रेरणा से मोटिवेशन ऑप्शन सी जो है वो राइट right ऑप्शन रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन डेवलप द थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट टी ए टी ये इसकी फुल फॉर्म है केवल फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन रहेगी डी मर्रे एवं मॉर्गन मर्रे एंड मॉर्गन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस शेज दैट तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगा बी इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल बुद्धि के प्रकार की हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन निम्न में से कौन सा एक संवेग है तो कौन सा है इसमें से फियर डर ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी हु गेव सोशल लर्निंग थ्यूरी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ऑप्शन डी जो है वो राइट right ऑप्शन रहेगी अल्बर्ट बंडूरा नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन अकॉर्डिंग टू मास्लो डैश डैश नीड आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट मास्लो के अनुसार सबसे पहले डैश डैश आवश्यकताएं आती हैं तो वो कौन सी आती हैं वो आती हैं फिजियोलॉजिकल दैहिक ऑप्शन सी राइट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट आई क्यू इज तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी बी मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल इज इंटू हंड्रेड ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगी मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल इज इंटू हंड्रेड एम ए अपॉन सी ए इंटू हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी डी थॉन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी वन चाइल्डेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज तो राइट ऑप्शन रहेगा इसके लिए सी जनरलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स सोशल एंड अदर कॉग्निशन इज तो राइट ऑप्शन रहेगा सी स्कीमा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स ट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड तो उसे बोला जाता है प्राइमरी इफेक्ट प्रथम प्रभाव ऑप्शन रहेगा बी इसके लिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर क्रिएटिविटी प्राइमरली इन्वॉल्व तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी हमारे पास बी डाइवर्जी डाइवर्जेंट थिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव हु डेल्प साइको एनालिसिस तो किसके द्वारा डेवेल्प किया गया था ये किया गया था हमारे पास सिगमेंट फ्रेंड के द्वारा तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी सी फ्राइड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच मैथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन सी राइट ऑप्शन रहेगा एक्सपेरिमेंटल मैथड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अकॉर्डिंग टू मासलो विच ह्यूमन नीड इज हाइएस्ट इन हायर तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी राइट ऑप्शन रहेगा नीड फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन आत्म सिद्धि की आवश्यकता नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्वेंटी एट विच ऑफ दीज इज़ नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमरी तो राइट right ऑप्शन रहेगा हमारे पास भी वर्किंग मेमरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन थ्योरी ऑफ एनफोर्समेंट इज गिवन होम बाई होम तो इसके लिए हमारे पास जो है वो राइट right ऑप्शन रहेगी सी स्किनर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बिहेवरिज्म इज तो ये थे जे बी वाटसन तो इसके लिए हमारे पास राइट right ऑप्शन रहा रहेगा सी फ्रेंड्स हमने आपको जितने भी ये आंसर बताए हैं ये अकॉर्डिंग टू आंसर की हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद